जो पहली दफा ऐसी स्कीम बनी है कि 10,000 रुपये उनको बहुत सहूलत से ऋण मिलेगा, उस योजना का नाम भी तय हुआ है, वो है पीएम स्वनिधि, प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। सो ये एक नाम दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम स्वनिधि बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे दोनों ने बताया, किसानों के लिए और एमएसएमई के लिए बहुत अहम फैसले हुए हैं। अब उन्हीं मुद्दों पर आपको कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए, क्योंकि बाकी सवालों के लिए हम आपके स्टूडियो में यानी वर्चुअली अभी आते हैं, तो आते हैं तब चर्चा कर ही सकते हैं। नंबर 18 गडकरी साहब, मेरा सवाल यह है कि जो एमएसएमई की परिभाषा 250 करोड़ पे की गई है और इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी जो स्कीम थी उसमें 100 करोड़ रुपये की बात की गई थी, तो क्या 250 करोड़ रुपये वालों को भी फ़ायदा मिलेगा? और दूसरा सवाल यह है कि डिस्ट्रेस फंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ये 1 जुलाई से ये व्याख्या, क्योंकि हमारी सॉफ्टवेयर और मैंने जल्दी करने की कोशिश की थी, पर वो साधारणता इसको पूरा ये करने के लिए 1 जुलाई से, आज ऑर्डिनेंस पर मैंने फाइल पर सही कर दी है, कल उसका और ये निकल जाएगा नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन, 1 जुलाई के बाद इस स्कीम का फ़ायदा होगा। ये जो फंड के बारे में आपने बात की है, इसके बारे में स्वाभाविक रूप से ये जो हम इक्विटी के रूप में दे रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो भारत सरकार का फंड है, तो वो लगाने के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ, पर वो कम से कम लगाने की कोशिश करेंगे। वो जो उसके लोन पर जो इंटरेस्ट होगा वही लगेगा। देखिए, वो जो 3 लाख करोड़ जो फंड हमने दिया है वो जिनका 100 करोड़ तक टर्नओवर है और जिनको 25 करोड़ के टर्म लोन है उन्हीं को 3 लाख करोड़ का फायदा होगा, ये 250 करोड़, और ये विदाउट कोलैटरल, ये आपको 20% लोन मिलेगा और उस पर जो उसके अकाउंट पर इंटरेस्ट होगा वही मिलेगा, 20% एडिशनल लोन मिलेगा। मतलब स्पष्ट है कि 250 करोड़ वाले इसमें नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। ठीक। 114 1 जुलाई के बाद आएंगे जी। मंत्री जी, एस एम आसिफ इधर आपके सामने, मेरा सवाल है, मैं सामने हूँ, मेरा सवाल है आपसे कि एमएसएमई में एनपीए अकाउंट जो पूरे देश में फैला हुआ है, तो जो नई स्कीम है उसमें आपने कहा कि एनपीए अकाउंट को सरकार जो है उसका परसेंटेज कुछ देगी, उसको ज़रा डिटेल बता। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैंने मार्च में जवाब दिया था कि 6 लाख एमएसएमई रिस्ट्रक्चर हुई, फिर उसकी मुदत 31 मार्च थी, वो बढ़ाकर 31 दिसंबर तक किया गया। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्ट्रेस एसेट है जो एनपीए हो गए हैं, इनके लिए हमने स्कीम बनाई कि भारत सरकार ने 4,000 करोड़ दिए है। अब ये 4,000 करोड़ जो हमको मिले हैं, हम एक CGTMSE करके एक ट्रस्ट है, इंश्योरेंस ट्रस्ट है, ये इसको हम 4,000 करोड़ जब डिपॉजिट करेंगे तो उससे 5 गुना यानी 20,000 करोड़ के फाइनेंस की गारंटी ये ट्रस्ट लेगा। ये 20,000 करोड़ बैंकों को उपलब्ध होंगे, फिर जो एमएसएमई जो है, जो एनपीए हो गई है, स्ट्रेस है और आज के रूटीन नॉर्म्स में नहीं बैठ रही है, फिर ये 20,000 करोड़ में से उसका जो प्रोपराइटर होगा उसके गारंटी पर हम उसको ये फंड में से इक्विटी देंगे। जैसे इक्विटी देंगे तो उसकी बैलेंस शीट बदल जाएगी और बैलेंस शीट बदल जाएगी तो जो एनपीए नॉर्म्स के कारण जो नहीं हो सकता वो काम हो जाएगा। तो उसके बाद 2 लाख एमएसएमई जो आज के कानून में रिस्ट्रक्चर नहीं हो सकती, वो 20,000 करोड़ का फंड यूज़ करने के कारण वो रिस्ट्रक्चर हो जाएगी और वो जो बंद पड़ी हुई एमएसएमई है, अड़चन में है, एकदम आखिरी में, उन लोगों को एक प्रकार से ऑक्सीजन मिलकर वो फिर से बाहर आएगी, ये उसका। 13 ऋतु पर्णा CNBC से, ये जो 3 लाख करोड़ का इमरजेंसी फंड था आप लोग दे रहे हैं, क्या ये स्टार्टअप्स वगैरह को भी एप्लीकेबल होगा? और अगर है तो, वैसा है तो क्या मैकेनिज्म कुछ डेवलप हुआ है, कितने स्टार्टअप्स ने ये सब्सक्राइब किया है? जो एमएसएमई रजिस्टर है और जिनका टर्म लोन 25 करोड़ का है और वर्किंग कैपिटल 100 करोड़ का है, इस व्याख्या में जो आते हैं
उन लोगों के लिए 3 लाख करोड़ का फंड है और ये कोलैटरल फ्री है, यानी कोई गारंटी नहीं है। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर ही भारत सरकार की ओर से 20% तक एडिशनल कैपिटल वर्किंग कैपिटल में या इसमें मिल सकता है। तो उसमें अगर वो स्टार्टअप रजिस्टर है तो सबको इसका फ़ायदा मिलेगा जो इस नॉर्म में आते हैं। 241 तोबर सर, जैसा कि आपने कहा कि किसानों को जो सुविधा दी गई थी वो पहले 31 मई तक दी गई थी, अब उसे 31 अगस्त तक कर दिया गया था, तो क्या हम ऐसा मान के चले कि जो सरकार सोच रही थी कि पहले मई तक या जून तक कोरोना पर नियंत्रण कर लिया जाएगा, अब उस डेट को 31 अगस्त तक कर दिया गया है? कोई लिंक नहीं है इसका, कोई लिंक नहीं है। सरकार में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति भविष्य वक्ता नहीं है। संकट की जब परिस्थिति रहती है तो स्वाभाविक रूप से ये कोशिश की जाती है कि इस घड़ी में असुविधा तो होगी ही, लेकिन असुविधा कम से कम हो, और असुविधा को सुविधा में बदलना अगर सरकार के निर्णय के माध्यम से हो सकता है तो सरकार उस दिशा में निर्णय लेती है। पहले लगता था कि 31 मई तक आवाजाही शुरू हो जाएगी, किसान जमा कर देगा, लेकिन जब सब तरफ से फीडबैक आया कि अभी जमा करने में कठिनाई है और सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, उनके हितों के प्रति प्रतिबद्ध है, इसलिए 31 मई को बढ़ाकर 31 अगस्त किया। इसको इधर उधर जाके देखना मुझे लगता है उचित नहीं है। 104 सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से, मेरा सवाल ये, किसानों के लिए आपने जो ऐलान किया है कर्ज पे ब्याज सस्ता करने का, तो जो किसान समय पे कर्ज चुकाते हों उनको अतिरिक्त ब्याज में छूट देंगे, तो अब तक के रिकॉर्ड क्या कहता है कितने किसान अतिरिक्त ब्याज में छूट के हकदार होंगे जो समय पर कर्ज चुकाते हैं? और इससे जुड़ा दूसरा सवाल है कि आत्मनिर्भर पैकेज के दौरान सरकार ने APMC एक्ट की जगह नया कानून लाने का भी ऐलान किया था, वो कब तक हम इसको देख सकते हैं ज़मीन पर? कि ब्याज पर जो छूट की बात कही है यह योजना पहले से जारी है और मैंने गत वर्ष का भी आंकड़ा आपके समक्ष रखा कि गत वर्ष ब्याज सब्सिडी के रूप में 28,000 करोड़ रुपए व्यय करने की स्थिति है। अगले बार जब यह परिस्थिति आएगी तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। सामान्यतः अगर हम देखेंगे तो KCC के माध्यम से अभी किसानों के पास 4 लाख करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण है और सरकार ने अभी जब पैकेज की घोषणा की थी और उससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को चित्रकूट में घोषित किया था, तब यह कहा था कि हम KCC 100% किसानों को देंगे और अभी लगभग 6,65,00,000 से अधिक किसान हैं जिनको इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया गया है। 2.5-3 करोड़ किसान अभी ऐसे हैं जिनको इस स्कीम के अंतर्गत और कवर किया जाना है। पिछले दिनों जब फरवरी में इस अभियान की घोषणा की थी तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय 15-1 दिन काम चला था, उसमें लगभग 75,00,000 किसानों ने अपना एप्लीकेशन जमा किया था और उसमें लगभग 41,00,000 किसानों की स्वीकृतियां भी बैंक ने कर दी थी और 22,00,000 किसानों को ये पैसा दे भी दिया था, लेकिन उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया तो बीच में गतिविधि थम गई है, लेकिन अभी पैकेज में भी इसकी घोषणा की गई है। हम अभियान चला के कोशिश करेंगे कि जल्द ही ये 2.5-3 करोड़ जो किसान बचे हुए हैं इनको KCC के कवर के अंतर्गत लाया जाए और ये सब आ जाएंगे तो लगभग 2,00,000 करोड़ रुपया और नीचे किसानों के पास पहुंचेगा। और वैसे भी अगर इस स्कीम के अंतर्गत देखें और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत जो किसान ऋण लेते हैं, कुछ KCC के माध्यम से लेते हैं, कुछ सीधा भी बैंकों से अन्य स्कीम के माध्यम से और अपने प्रयोजनार्थक लेते हैं, तो ऐसा लगभग लगभग 9 करोड़ किसानों के पास 8,00,000 करोड़ रुपया अभी बैंक के द्वारा दिया गया है और इस स्थिति को और आगे आने वाले कल में सरकार बढ़ाने वाली है। 50 APMC
के विषय में आपको मालूम है कि बहुत दिन से लगातार इस बात की कोशिश की जाती रही है कि किसान जो एक तौर से बंधन में बंधा हुआ है अपने उत्पाद को बेचने के लिए, इसका खुलना और इसे आज़ाद करना ज़रूरी है। आमतौर पर पहले भी सरकारों ने प्रयत्न किए, लेकिन सरकार उस दिशा में आगे कुछ कर नहीं पाई। और फिर नीति आयोग ने भी एक मॉडल एक्ट बनाया, उस एक्ट में भी राज्य सरकारों को भेजा गया तो कुछ कुछ सरकारों ने उसको स्वीकार किया, किसी ने आंशिक रूप से स्वीकार किया। अभी बहुत सारी सरकारें हैं जो तेज़ी से उस पर काम कर रही हैं। 51 और पिछले दिनों आपने देखा कि जब लॉकडाउन की स्थिति हुई और उस समय ऐसा लग रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग, अगर मंडियां चालू होंगी उपार्जन के लिए थोड़ा ये मामला टूटेगा, तो केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने और गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी सभी राज्यों को कि 3 महीने के लिए APMC एक्ट से हमें छूट देना चाहिए, जिससे कि किसान कोई भी कहीं भी अपना खरीद सके, बेच सके, तो सामाजिक दूरी भी बनी रहेगी और किसी प्रकार के खतरे का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। कई राज्यों ने उसको भी किया, लेकिन लगातार केंद्र सरकार इस बात का विचार करती रही है कि ये खुलाव कैसे हो। और कृषि का विषय वैसे राज्य का विषय है, लेकिन ट्रेड का विषय तो केंद्र का है। और इसलिए आप आज भी अनुभव करेंगे कि सामान्य तौर पर ये बोतल बनाने वाला जो व्यक्ति है, इस बोतल को बनाएगा कहाँ, बेचेगा कहाँ और कितने पैसे में बेचेगा, इसका अधिकार उत्पादनकर्ता को है। लेकिन देश में किसान सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता होने के बाद भी उसको उत्पादन का अधिकार है, उत्पादकता बढ़ाने का अधिकार है, परिश्रम करने का अधिकार है, पसीना बहाने का अधिकार है और प्राकृतिक प्रकोप की मार खाने का भी अधिकार है। लेकिन वो अपना उत्पाद कहाँ बेचेगा और कितने दाम पर बेचेगा, इसका अधिकार किसान को नहीं था। और इसलिए सरकार ने ये निर्णय किया कि हम ये अधिकार किसान को उपलब्ध कराएं। इसके लिए सेंट्रल एक्ट आने वाला है और उसकी कार्यवाही चल रही है, कुछ ही दिन में ये मूर्त रूप लेगा तो ध्यान में आएगा कि ये किसानों की दृष्टि से बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय हुआ है। आई थिंक इट हैज बीन क्लेरिफाइड दिस प्रभु। इट कैन प्रभु, दिस कैन नॉट बी अनाउंस्ड हियर, व्हेदर इट्स लेजिस्लेशन और ऑर्डिनेंस और दिस थिंग। देखिए दरअसल क्या है कि जब तक कोई भी विषय विभाग से मंत्रिपरिषद में न पहुंचे और मंत्रिपरिषद उस पर निर्णय न ले, तब तक कोई भी चीज़ एडवांस में व्यक्त करना तो ये उचित भी नहीं है। केंद्र सरकार जब इस दिशा में आगे बढ़ेगी तो जितनी आवश्यकताएं औपचारिकताएं हैं उन सबको पूरा करके ही आगे बढ़ेगी। 51 सर, आनंद पटेल फ्रॉम इंडिया टुडे। चाइनीज इंकर्शंस जो हुई हैं लद्दाख में, उसके बाद देश में नाराजगी है। आई थिंक वी हैव रिस्ट्रिक्टेड टू कैबिनेट डिसीजन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू, द कॉल्स हैव बीन गिवन टू बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, ऑल योर अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज, देयर मे बी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, लेकिन उसका उत्तर आप हमें अलग से इंटरव्यू करिए, हम देंगे। लास्ट क्वेश्चन 14 1 4। आई थिंक कल सर, समीर दीक्षित जी बिजनेस से। मेरा सवाल MSME सेक्टर को है। आपने क्या 11 करोड़ का लगभग रोजगार ये सेक्टर देता है, अभी इस पूरे कार्यकाल के दौरान आपको क्या है, क्या फीडबैक आपको है कि कितना असर जॉब्स को लेकर के है और वापस रीजनरेट करने में कितना समय लग सकता है और जॉब्स के मसले पर कितना झटका लगा है इस पूरे कोविड की वजह से? कोविड के संकट के कारण अब जो परिस्थिति है, इसमें कोई ऑफिशियल स्तर का अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है, पर एक बात जरूर है कि कोविड के कारण कहीं ना कहीं उसके परिणाम हैं। एक बात आपको और ये मैं खुलासा कर दूं कि माइग्रेंट लेबर के कारण जैसे परसेप्शन होता है कि टीवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि 100% इस देश की इंडस्ट्री पूरी माइग्रेंट लेबर के भरोसे चल रही है,
ऐसा एक साधारणतः इम्प्रेशन होता है। वस्तु स्थिति ये है कि ऑन एन एवरेज 10-20% लोग कहीं ऐसे बाहर से आकर भी काम करते हैं, ये मैक्सिमम अप टू 20% है। दूसरा, इस 20% में से सभी 20% निकल गए अपने राज्यों में, ये भी स्थिति सच नहीं है। इसमें से कुछ प्रमाण के लोग गए हैं, कुछ रेलवे में, अभी जो जानकारी मुझे मिली कि रेलवे जाने का तय हुआ पर लोग नहीं मिले क्योंकि लोग नहीं गए। ये लोग अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने ज़िले से, अपने गांव से हैं, ये इस स्टेट में आए वो रोजगार के लिए आए, मजबूरन आए, उनको रोजगार नहीं था इसलिए आए। अब जो ये इंडस्ट्री काफ़ी प्रमाण में शुरू होने की प्रक्रिया हो गई, कहीं 50%, कहीं 40% ऐसे लोग आना शुरू हुआ, और उसमें से जो कोरोना के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है कि मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस 1 मीटर से मेंटेन करना चाहिए, फिर अपने हाथ सैनिटाइजर से धोना चाहिए, और कुछ जगह पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जिसके नाम भी मेरे पास हैं, उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल एरिया में रहने की और भोजन की भी व्यवस्था मजदूरों की है। और अभी मैं 8 दिन पहले रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो 5 लाख करोड़ का कारोबार करती है, उसने मुझे कहा कि हम लोग वो लोग आना चाहते हैं, तो मैंने उनको सुझाया कि जहाँ गए हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसकी परमिशन और वहाँ की फॉर्मेलिटी पूरी करके, जहाँ आना चाहते हैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके आप उनकी लाने की, अगर आते हैं तो लाने की व्यवस्था करिए और उसमें उसका उपयोग लीजिए। अब सरकार में, भारत सरकार ने, गृह विभाग ने, राज्य सरकार ने, और उसके बाद वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऐसा लेकर सब प्रकार की बातों का क्लेरिफिकेशन दिया है और इंडस्ट्री अब शुरू भी हो रही है। मैं बहुत बार कहता हूँ कि नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू, कि भाई हम ये सीखें कि कोरोना वायरस के साथ हमारा आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस। तो अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में भी हमको वही उपाय करने पड़ेंगे, और मैं ये देख रहा हूँ कि पॉजिटिविटी के साथ और आत्मविश्वास निर्माण करने की आवश्यकता थी, वो कोशिश हम कर रहे हैं, और बड़े प्रमाण पर लोग कुछ वापस आने की भी स्थिति में रोजगार शुरू हो रहा है, इंडस्ट्री भी शुरू हो रही है, और धीरे धीरे उन नियमों का पालन करके हम काफ़ी बातों को रेगुलराइज करेंगे तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।